नमस्कार। आशा है कि आप सभी डंडों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और उसका अच्छा खासा लाभ ले रहे होंगे। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे DM कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड एक्सरसाइज, उससे रिलेटेड जो योगिक पोस्चर्स होते हैं उसके सीरीज मैं आपके लिए बना दूंगा। आज हम बात करने वाले चक्रदंड की। बड़ा प्यारा दंड है और थोड़ा सा ट्रिकी है ये ज़रूर, लेकिन कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। देखने में बड़ा अच्छा लगता है, करने में भी उतना ही मज़ा आता है, थोड़ा सा ट्रिकी है। देखते हैं कैसे करते हैं, एक बार मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ये कुछ इस तरीके से आपका चक्रदंड दिखता है। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन काफ़ी इजी भी है, हो जाएगा आसान से। 2 से 3 से 4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको आपके टोस पे आना होता है और ये पैर फैला। अब जब कभी हम इस दंड की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो थोड़ी सी हमको कॉन्शियसनेस के साथ ये दंड करना होता है। जब भी कभी हम श्वास भर के ये पैर को इधर लेके जाएंगे तो एक साथ दो काम होते हैं। जब हम पैर को लेके आए, हाथ ये और साथ में ये दोनों पैर पीछे की तरफ जाते हैं ऐसे, फिर एक दंड लगता है। तो ये थोड़ा सा इसमें मिश्रित होता है, तो ये थोड़ा सा एक ट्रिक होता है, बाकी कोशिश करेंगे तो आ जाएगी। देखिए ऐसे इनहेल, इसी तरीके से दोनों पैर से भी कर सकते हैं आप। तो काफ़ी अच्छा डंड होता है। और अगर आपको बहुत जल्दी आपकी बॉडी वार्म करनी है तो चक्रदंड का प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर कीजिए। शोल्डर्स, ट्राइसेप्स, चेस्ट बहुत अच्छे से बूस्ट होते हैं और काफ़ी अच्छा स्टेमिना आपके अंदर डेवलप होता है चक्रदंड से। तो आगे हम बात करेंगे शेर दंड की और मिश्र दंड की। बहुत अच्छा है।